हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली में सराय काले खां के पास, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से सेंट्रल दिल्ली होते हुए वेस्ट दिल्ली की ओर, तिलक नगर की साइड में। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था अपने चैनल पे, तो आज मैं दिल्ली में था तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग बना लिया जाए, ताकि कुछ बातें आपसे भी हो जाए। और ट्रैवल तो हम कर ही रहे हैं अब दिल्ली में। मैं हूं अभी भैरव बाबा मंदिर मार्ग में, और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे दिल्ली के दिल कहे जाने वाली सेंट्रल दिल्ली, या जिसे आम भाषा में हम कहते हैं लुटियंस दिल्ली, से टुवार्ड्स वेस्ट दिल्ली की ओर। और रेलवे अंडर पास के नीचे बिना बारिश के भरा हुआ ये पानी एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल, जिसको हम कहते हैं, उसकी कलाई खोलता हुआ। वेल, हमारा फोकस आज अपने ट्रैवल पर रहेगा, दिल्ली की दुर्दशा के बारे में, या दिल्ली की सफाई व्यवस्था के बारे में, या दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में फिर किसी ब्लॉग में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में मेरे दिल्ली 6 का प्रसिद्ध भैरव बाबा का मंदिर, और उसके पीछे है पुराना किला, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ के किले को तोड़ के पुराना किला बनाया गया था। इस पर भी हम बात करेंगे और अपना फोकस रखते हैं आज के ट्रैवल पर। दिल्ली को सुचारू और मेंटेन रखने की जिम्मेदारी लगभग 6 हाथों में है, जिसमें जल निगम और PWD दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और MCD जिसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इलेक्शन होते हैं और अपना ही उनके मेयर चुने जाते हैं, ईस्ट MCD, नॉर्थ MCD और साउथ MCD, जिसमें साउथ और वेस्ट को मिलाकर ही साउथ MCD का काम करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली, जिसको लुटियंस जोन, जिसे लुटियंस एरिया जिसे कहते हैं, लुटियंस दिल्ली, उसके लिए एक अलग ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसे NDMC कहते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो बेहतरीन काम करने वाली इसमें एजेंसी है वो NDMC भी है, और क्यों ना हो, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और दुनिया भर के अम्बेसडर, मंत्री, सब लुटियंस दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनकी देखभाल पहले है आम पब्लिक की। तो आम पब्लिक के लिए PWD है, बाकी MCD है, चाहे जैसे भी है, काम चल रहा है। वेल, यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे रेड लाइट के बाद, और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे सेंट्रल दिल्ली में। जी हाँ, स्वागत है आपका लुटियंस दिल्ली में। जैसे कि आप दिल्ली के बारे में जानते ही हैं, कंक्रीट का जंगल इसे कहा जाता है, जहाँ पर मकान ही मकान, 25 गज से लेकर 50 गज के मकानों की कोई लाइन मिलेगी। लेकिन जब आप लुटियंस दिल्ली में आते हैं, सेंट्रल दिल्ली में, तो यहाँ पे आपको वैसी भीड़ भाड़ और वैसी कंजेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे, डिवाइडर पे पेड़ मिलेंगे, और सड़क के दोनों साइड पेड़ मिलेंगे। अगर आप शाहदरा साइड में या नॉर्थ दिल्ली साइड की साइड में या ईस्ट दिल्ली में हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि दिल्ली में एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। लेफ्ट साइड में मेरे दिल्ली हाई कोर्ट, वही बात मैं पहले भी कर रहा था कि लुटियंस दिल्ली क्यों लुटियंस है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ VIP है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जज सब यहीं रहते हैं, इसी एरिया में, और जब इतने बड़े बड़े लोग रहेंगे तो फिर यहाँ की व्यवस्था अलग ही होती है। सिग्नल फ्री मोस्टली, 80% एरिया लुटियंस दिल्ली का सिग्नल फ्री है। और जिस रोड पे हम आए हैं, ये इंडिया गेट का, जो कि दिल्ली का सेंट्रल एरिया है, उसका आउटर सर्कल है। इंडिया गेट के बिल्कुल बराबर से भी निकलता है, और लेकिन हम यहाँ से अभी जा रहे हैं उस सर्कल में, वेस्ट दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो हम सबसे दूर वाली सर्कल से निकल रहे हैं। दिल्ली गोल है, इस बात का प्रमाण अगर आपको चाहिए हो तो आप इंडिया गेट सर्कल पे आएँ। यहाँ पे आके आप एक गोल सर्कल पे चलते हुए दिल्ली के किसी भी कोने तक जा सकते हैं। हर जगह जाने के लिए रोड यहाँ आपको मिलेगी, हर जगह जाने के लिए
कट आपको मिलेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया गेट अगर पास की साइड देखा जाए तो वो मेरे बैक साइड से अगर टर्न लेंगे या पूरा सर्कल घूम के आएंगे तो इंडिया गेट के बिल्कुल बराबर से निकलेंगे। अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं क्योंकि हम उस सर्कल पर ही हैं और यहाँ से हम जाएंगे अकबर रोड की साइड पे। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये सिर्फ पैदल क्रॉसिंग करने वालों के लिए होती हैं, कोई यहाँ पर कट नहीं है। ये इंडिया गेट के जाने के लिए, इंडिया गेट के आगे जो एक मोन्यूमेंट सा है, यहाँ से आगे इस मोन्यूमेंट से राइट देखेंगे तो आपको इंडिया गेट दिखाई दे जाएगा। सुबह का टाइम है, ऑफिस टाइम कह सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी है और ट्रैफिक तो दिल्ली में पूरे दिन रहता है। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको ये नहीं कह सकते कि आपको वहाँ रोड खाली मिलेगी। दिन में किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम ट्रैफिक तो दिल्ली में रहता ही है। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अकबर रोड पर। ल्यूटन दिल्ली की सबसे लंबी रोड अकबर रोड ही है और पॉश एरिया, दोनों साइड में पार्लियामेंट मेंबर्स के मकान, जिसमें गृह मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी भी इन्हीं एरियों में आसपास इनसे लगती हुई रोड पर। अकबर रोड भी कह सकते हैं कि ल्यूटन दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल रोड है जिससे लगती हुई जनपद, सवाई मानसिंह रोड सब यहीं से मिलती हैं, औरंगजेब रोड सभी इसी रोड को क्रॉस करती हैं। और अकबर रोड पे अगर हम चलें तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, 24 अकबर रोड। जी हाँ, यह है कांग्रेस का मुख्यालय, मुख्य दफ्तर, और जो कि इसी अकबर रोड पर है। राइट साइड में आप बोर्ड भी देख रहे हो, गाड़ियाँ देख रहे हो, ये कांग्रेस का हेड ऑफिस है। यहीं पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहीं पर मीटिंग लेते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं राहुल गांधी जी की या इनके कांग्रेसी नेताओं की, वो यहीं से ही होती हैं। साथ में ही कांग्रेस सेवा दल का भी ऑफिस। और यहीं से थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में जनपद, जिसमें थोड़ा सा आगे जाके एक छोटे से कट से 10 जनपद, सोनिया गांधी का निवास, और वहीं से ही थोड़ा सा आगे जाके ही राजनाथ सिंह जी का आवास, रक्षा मंत्री हैं, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। पहले ओपन होता है लेकिन कई बार बीच में बंद भी कर देते हैं। और जैसा कि आपको कहा, सिग्नल फ्री जोन जिसे हम कहते हैं, वो ल्यूटियंस दिल्ली है, NDMC द्वारा मेंटेन। और ग्रीनरी देखिए, आप बिलीव कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर भी इतनी ग्रीनरी है। दिल्ली के अंदर कहा जाता है 70% जो पेड़ हैं वो इसी ल्यूटियन दिल्ली में हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी यहीं पर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बार ल्यूटियन दिल्ली का जिक्र करते हैं, वो यही है। राष्ट्रपति आवास, हमारी संसद, और जो नई संसद बन रही है वो भी यही संसद भी के पास ही बन रही है। और अकबर रोड पर ही पहले बीजेपी का पुराना ऑफिस भी था, पर अब वो दीनदयाल रोड पर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। काफ़ी बड़ी पार्टी अगर वो बन गई है तो ऑफिस के लिए भी जगह बड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर लिया है। और दिल्ली में ट्रैफिक की जैसे भी व्यवस्था हो, इस एरिया में आके ड्राइविंग भी अपने आप ही स्मूथ हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइट्स नहीं लगी हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइडर नहीं है, लेकिन ट्रैफिक रूल का पालन यहाँ पे अपने आप होता है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में जहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ना हो तो कोई रेड लाइट पे नहीं रुकता। और ये देखिए, ट्रैफिक लाइट के बिना भी ट्रैफिक स्मूथ चलता हुआ। राउंड अबाउट से ही यहाँ पर कई कट निकलते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे इतने राउंड अबाउट हैं कि कई बार तो कोई नया आने वाला जो पर्सन दिल्ली में पहली बार आया हो कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। पर रोड साइड के ग्लो साइन वगैरह लगे हुए हैं, रास्तों के लिए दिशा सूचक जिसे कहते हैं, सब लगे हुए हैं। बस थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और रोड्स, कोई बम्प नहीं,
कोई टूटी हुई सड़क नहीं। दुनिया भर की एम्बेसी, पूरे दुनिया की एम्बेसी दिल्ली में इसी एरिया में पड़ती हैं, लुटियंस जोन में। प्रधानमंत्री आवास, जैसे कि आपको पता ही है, 7 रोड, जिसको शायद नाम चेंज कर दिया गया है, हाई कोर्ट, सब यहीं पर है। और यहाँ से हम अगर राइट टर्न लेते ही यहाँ पे आ जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके भवन, जिसमें उत्तर प्रदेश भवन, हिमाचल भवन, तेलंगाना भवन, हर स्टेट के दफ्तर के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। लेफ्ट साइड में लाइन से वही दफ्तर है, हमें लेफ्ट साइड में उत्तर प्रदेश भवन, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी विशाल। स्टेट वाइज के हिसाब से यहाँ पे ऐसी कोई नहीं की गई है कि अगर कोई स्टेट छोटा है तो उसका भवन छोटा हो, सबको बराबर जगह दी गई है। कंस्ट्रक्शन स्टेट ने अपने हिसाब से यहाँ पे करवाई है क्योंकि उनके लिए अलॉट किए गए हैं भवन। लेफ्ट साइड पूरे स्टेट्स के वही ऑफिसेज, इनमें ही गेस्ट हाउस भी होते हैं, लोकल लीडर, विधायक, एमएलए वगैरह जब कभी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर रुक भी जाते हैं। इसके अलावा सवाई मानसिंह होटल और ताज होटल भी इसी एरिया में ही हैं, 5-स्टार होटल्स। अगर आगे आपको दिखा पाए तो जरूर दिखाऊंगा। और राइट साइड में दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया, जी हाँ, दिल्ली के अंदर अगर एक फॉरेस्ट एरिया भी है, अगर आपने देखा हो कहीं पर या सुना हो, तो वो इसी जोन में है। ITC मौर्या होटल, ये भी 5-स्टार होटल है। और इस एरिया में होने की एक खास वजह भी है क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी यहाँ पर गेस्ट इंडिया में आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गेस्ट हों या गवर्नमेंट के गेस्ट हों, उन्हें इन्हीं होटल्स में ठहराया जाता है। आज की वीडियो कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं थी, बस दिल किया, काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और दिल्ली आया था काम से, किसी ट्रैवल कर रहा था, तो सोचा क्यों ना एक ट्रैवल व्लॉग बना लिया जाए और कुछ बात आपसे कर ली जाए। काफ़ी मैसेजेस आए कुछ रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके लिए तो सर अब थोड़ा बहुत जो मेरा काम में बिजी था, काम से कंप्लीट फिनिश हो, अब फिर से अपना ट्रैवल दोबारा और वीडियो लेकर आऊँगा। तो सामने आप देख रहे होंगे मेट्रो लाइन, यह है एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन। की और NDMC का एरिया भी यहीं पे ख़त्म होता है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली लुटियंस दिल्ली यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ पे शुरू होती है वेस्ट दिल्ली का एरिया। आगे राइट टर्न लेके मैं चला जाऊँगा दिल्ली कैंट होते हुए तिलक नगर की साइड में, जो कि वेस्ट दिल्ली का सेंट्रल पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ये एयरपोर्ट मेट्रो लाइन सीधे, दिल्ली गोल है ये बात प्रमाणित करती है कि आपको कहीं से भी किसी भी दिल्ली के किसी भी एरिया में जाना हो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आज का सफ़र बस यहीं तक था, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लविंग, कीप स्पोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।